What's going on YouTube? Welcome back to a brand new video here on the channel. मेरा नाम है दोमेंद्र. आज की इस वाली वीडियो में आप लोग जो है MSI Bravo 15 और Asus TUF F15 के बीच जो है कंपैरिजन देखने वाले हैं. तो बेसिकली ये जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर होगा. इन दोनों लैपटॉप्स का जो है रिव्यू आप देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है और अगर चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो. तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप के प्रोसेसर्स के बारे में. तो आपको जो है यार MSI वाले में जो है AMD का प्रोसेसर देखने को मिलता है. यहाँ पे आपको Ryzen 5 4600H देखने को मिलता है जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है. साथ ही साथ इसका जो बेस फ्रिक्वेंसी वो 3.0 GHz है और बूस्ट फ्रिक्वेंसी आपको जो है 4 GHz तक के देखने को मिल जाता है. इसके साथ अगर Asus F15 की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है इंटेल कोर i5 10300H देखने को मिलता है जो कि 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है. इसका जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो 2.5 GHz है, बूस्ट फ्रिक्वेंसी आपको जो है 4.5 GHz तक के देखने को मिल जाता है. TGPR मैं जो यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूंगा इन दोनों लैपटॉप्स के. तो अब बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में. तो जो आपको MSI Bravo 15 में जो है NVIDIA की जगह आपको देखने को मिलता है AMD का AMD RX 5500M देखने को मिलता है. 4GB DDR6 मेमोरी के साथ जो ये ग्राफिक कार्ड आता है. ऑन दी अदर जो Asus स्टफ है वो जो आता है NVIDIA के साथ. यहाँ पे आपको जो 1650 का जो 4GB का GDDR6 मेमोरी वाला जो ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है. तो यार इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड जो है नेक टू नेक परफॉर्म करते हैं, बट जहाँ पे जो है ना MSI वाले के साथ ये एज चला जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको जो AMD का ही ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, साथ ही साथ AMD का ही CPU देखने को मिलता है. इसके साथ साथ जो RX 5500M है वो यार 1650 से जो है 10-15% जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है. तो यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है MSI वाले में. बट यार एक चीज बता देता हूँ, इन दोनों लैपटॉप्स का जो परफॉर्मेंस है वो नेक टू नेक टाइप का चलता है. तो अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप के डिस्प्लेस के बारे में. इन दोनों लैपटॉप्स में आपको जो 15.6 इंचेस का फुल HD IPS पैनल देखने को मिलता है. यहाँ पे लैपटॉप के साइज में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो डिस्प्ले का साइज है वो. और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस इन दोनों डिस्प्लेस में वो है इसका रिफ्रेश रेट. यार MSI आता है वो जो है 60Hz के स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के साथ आता है. जो Asus वाला आता है वो आता है 144Hz के अल्ट्रा स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ. यहाँ पे यार जो डिफरेंस है वो मेन रिफ्रेश रेट का ही है. और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो Asus के कलर से थोड़े से ज़्यादा पंची लगते हैं, जो ज़्यादा विविड लगते हैं. और ऑन दी अदर हैंड जो MSI का कलर है थोड़ा सा डल टाइप का आपको देगा. तो अब बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप की स्टोरेज एंड मेमोरी के बारे में. तो इन दोनों लैपटॉप्स में आपको जो 8GB का DDR4 रैम देखने को मिल जाता है. साथ ही साथ अगर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 512GB का SSD देखने को मिल जाता है जो कि M.2 SSD है. तो अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप के डिजाइन और बिल्ड के बारे में. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में. तो नो डाउट यार इसमें जो डिजाइन है यार वो Asus का जो है ज्यादा अच्छा लगता है. आई कैची टाइप का जो डिजाइन आपको जो है Asus में देखने को मिलता है. MSI का जो डिजाइन है यार ऐसी जनरल जो जेनेरिक टाइप का डिजाइन होता है वैसे डिजाइन देखने को मिल जाता है आपको MSI में. आपको जो है MSI Bravo 15 MSI GF65 इन दोनों का जो चैसी उतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा. बट यहाँ पे Asus का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है. तो अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप के बिल्ड क्वालिटी के बारे में. तो यार देखो बिल्ड क्वालिटी में यार जो है MSI का जो लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. मतलब उसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी है वो Asus वाले लैपटॉप से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगता है अगर आप जो है हाथ में लेके देखते हो. तो यार यहाँ पे जो MSI का जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग जाता है Asus की तुलना में. बट ऐसे डिज़ाइन वाइज अगर देखोगे तो आपको जो है Asus का ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है. तो अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप के कीबोर्ड एंड ट्रैकपैड के बारे में. सबसे पहला चीज़ है दोनों लैपटॉप के कीबोर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा सही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है. बट यहाँ पे यार मेन डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि जो आपको MSI वाला है उसमें आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता. यहाँ पे जो है यार MSI का जो बटन से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बड़ा है तो आपको टाइपिंग करने में उतना दिक्कत नहीं आएगा. ऑन दी अदर हैंड जो Asus का जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा छोटा है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है. मतलब कि यहाँ पे आपको जो है नम पैड भी देखने को मिल जाता है. तो यार यहाँ पे जो है Asus का जो कीबोर्ड साइज छोटा होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता. यहाँ पे साथ ही साथ Asus में जो है आपको RGB बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है, जबकि आपको MSI में जो है सिंगल कलर का रेड कलर का LED देखने को मिल जाता है जो कि यार रात में तो कूल लगता है, बस ऐसे दिन में अगर काम वाम कर रहे तो उतना ज़्यादा कूल नहीं लगता. पर्सनली यार मेरा फेवरेट जो है RGB कीबोर्ड है, तो मैं जो है Asus को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मान सकता हूँ RGB कीबोर्ड्स के मामले में. बाकी अगर ट्रैकपैड की बात करें तो ट्रैकपैड में यार मेरे को जो है दोनों लैपटॉप्स का ट्रैकपैड काफ़ी ज़्यादा सही लगा है. बट यहाँ पे जो MSI का जो ट्रैकपैड है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है. Asus का ट्रैकपैड मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है. बाकी फंक्शनली में कोई दिक्कत नहीं देता, बट ये जो है बिल्ड क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ, मेरे को जो है Asus का थोड़ा सा ईव टाइप का लगा है. बाकी चलता है काम दोनों में. तो आप बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में. तो इन दोनों लैपटॉप में आपको सारे के सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं.
पोर्ट्स का जो डिफरेंस होगा आपको जो स्क्रीन में शो हो जाएगा। तो आप बात करते हैं दोनों लैपटॉप के हीटिंग मैनेजमेंट की, यार तो यार यहाँ पे मेरे को जो पर्सनली MSI का जो हीटिंग मैनेजमेंट है काफी ज्यादा सही लगा है एज कम्पेयर टू ASUS, क्योंकि ASUS में आपको जो है कम हीट पाइप देखने को मिल जाता है, हालांकि आपको जो ड्यूल फैन देखने को मिलता है बट उतना ज्यादा अच्छे से इफेक्टिव तरीके से वो जो है हीट को मैनेज नहीं कर पाता जैसा कि MSI वाला कर लेता है। MSI में आपको जो है 6 हीट पाइप देखने को मिलता है जहां तक कि मेरे को गैसिंग है, बट यार ASUS में आपको जो है 3 हीट पाइप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो MSI के साथ आपको ज्यादा अच्छा हीटिंग मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोनों लैपटॉप के प्रोसेसर्स के बारे में। तो यार यहाँ पे आपको जो है राइजन वाला जो वेरिएंट है MSI के साथ आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एच के साथ आता है, मतलब कि यहाँ पे आपको 2 कोर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, मतलब कि अगर आप जो है गेमिंग वेमिंग करते हो या फिर किसी भी टाइप से क्रिएटिव वाला काम करते हो वीडियो एडिटिंग का, तो यहाँ पे आपको जो है यार MSI में थोड़ा सा ज़्यादा एच देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ASUS की तुलना में। ASUS का यार आप जो है जब लाइट वेट वर्क कर रहे हो या फिर कोडिंग वोडिंग का काम कर रहे हो तब देख सकते हो, आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बट अगर आप जो क्रिएटिव वर्क करते हो तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जो ASUS का है वो कम परफॉर्म करेगा MSI की तुलना में। तो अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप के ग्राफिक्स के बारे में। देखो तो ग्राफिक्स कार्ड यार यहाँ पे आपको जो दोनों लैपटॉप में 4-4 GB की देखने को मिलते हैं GDDR6 मेमोरी के साथ आता है दोनों लैपटॉप का ग्राफिक कार्ड जो है। यहाँ पे यार जो RX 5500M है वो जो है 1650 से कहीं ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता हुआ दिखता है ऑन पेपर में, रियल लाइफ में भी आपको जो डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अगर आप जो क्रिएटिव या फिर गेमिंग करते हो तो, AAA टाइटल्स को जो है अच्छे से हैंडल कर लेता है। बट यहाँ पे MSI के साथ दिक्कत ये आता है कि आपको जो है फ्यूचर में जो है अपग्रेड्स होंगे गेम्स में तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो ड्राइवर का इशू देखने को मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो 1650 है वो आपका गेम्स को आसानी से हैंडल कर जरूर लेता है। यहाँ पे यार दोनों लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड सही लग के आए हैं बट यहाँ पे जो 1650 जो है थोड़ा सा कम परफॉर्म करता हुआ दिखता है, बट उतना ज़्यादा आपको जो डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, अगर आप जो है गेमिंग वेमिंग करते हो तभी आपको नोटिस होगा, बट डेली टू टास्क होता है लाइट वेट जो आप काम करते हो उसमें आपको जो है कोई चिंता करने की बात नहीं है अगर आप जो है इन दोनों लैपटॉप में कोई भी लैपटॉप चूज करते हो तो। तो अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप की बैटरीज के बारे में। दोनों लैपटॉप में आपको जो है काफ़ी सही बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। जो MSI वाला है वहाँ पे आपको जो है आइडियल यूजेज में आपको जो है 5 से 6 घंटा देखने को मिल जाता है 50% ब्राइटनेस के साथ। ऑन दी अदर हैंड जो ASUS वाला है वहाँ पे आपको जो 6 से 7 घंटे जो है बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है आइडियल यूजेज में, मतलब कि आपको जो 50% ब्राइटनेस में चलाना होगा तब। और इसके बाद अगर परफॉर्मेंस मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है यार MSI वाले का जो बैटरी बैकअप है 1.5 से 2 घंटे के अराउंड देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड जो ASUS वाला है वहाँ पे आपको जो है 4 कोर देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपको जो है कलेक्टिवली 3 से 4 घंटे का जो बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है अगर आप जो परफॉर्मेंस मोड में दोनों लैपटॉप को यूज करते हो तो। और इसके साथ अगर बैटरी की और बात करें तो यहाँ पे आपको यार जो भी मिल रहा है बैटरी बैकअप वो ले लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है अपना लैपटॉप प्लग इन करके ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो प्लग इन करके नहीं चलाओगे तो आपको चिपक चिपक के चलने वाला फीलिंग आता है, हैंग होता टाइप का लगता है अगर आप किसी भी गेमिंग लैपटॉप को ऐसी चलाते हो तो बैटरी में। इन दोनों लैपटॉप के अगर स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो डिसेंट क्वालिटी के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, विंडोज लैपटॉप में स्पीकर्स की क्वालिटी तो एक्सपेक्ट ही मत करो। साथ ही साथ यहाँ पे यार मेरे को पर्सनल जो है जो ASUS वाले में जो बेस थोड़ा सा ज़्यादा लगा है और जो MSI वाले हैं उसमें थोड़ा सा लाउडनेस ज़्यादा लगा है, तो मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे जो है स्पीकर का डिफरेंस बता दिया है। तो अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप के फाइनल कंक्लूजन के बारे में और मेरे थॉट्स के बारे में कि अगर मेरे पास उतना पैसा होता तो मैं कौन सा लैपटॉप खरीदता। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ मैं जो खरीदता MSI खरीदता, यहाँ पे मैं आपको रीज़न भी दे देता हूँ क्यों, क्योंकि यार मेरे को जो है ग्राफिक्स वाले काम करने हैं साथ ही साथ मेरे को जो है परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए, तो यहाँ पे आपको जो है 6 कोर के कारण जो है ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ASUS स्टफ में। ASUS स्टफ का यार जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। साथ ही साथ उसमें RGB लाइट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, बट यार मैं जो है परफॉर्मेंस टाइप का बंदा हूँ, मतलब परफॉर्मेंस चाहिए मेरे को, मैं किसी भी चीज़ से परफॉर्मेंस निकालने वाली बात सोचता हूँ, तो मैं यहाँ पे यार MSI को जो है प्रीफर करूँगा ASUS के ऊपर में। अगर आप जो है लाइट वेट यूज़र हो, आपको उतना ज़्यादा कैजुअल टाइप का ही टास्क करना है, मतलब गेमिंग भी थोड़ा सा कम करना है, आप जो है MS ऑफिस का काम कर रहे हो और किसी भी टाइप से और नॉर्मल टास्क कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जो है ASUS को कंसीडर कर सकते हो, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। आपको हालांकि यहाँ पे 4 कोर देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा अंडर पावर लगेगा, बट लिटरली बता रहा हूँ यार दोनों के परफॉर्मेंस में आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल के प्रोसेसर यार काफ़ी ज़्यादा तगड़े हो चुके हैं। मानता हूँ 2 कोर के कारण उसमें थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, बट यार अगर आप जो पावर यूज़र नहीं हो तो आपको पावर का ज़रूरत ही क्या है। अगर फ्यूचर प्रूफिंग के नाम में अगर सोच रहे हो तो यहाँ पे यार जो NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है, बट अपन लोग को फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए नहीं, क्योंकि हमको जो है यार प्रीमियर प्रो ही
चलाना है और थोड़ा बहुत कैजुअल गेमिंग ही करना है तो मैं यहाँ पे यार जो है MSI वाले के साथ जाना प्रीफर करूंगा। तो यार ये था इस वीडियो का फाइनल कॉन्क्लूजन। इसके साथ अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वाले वीडियो को, और मैं मिलता हूँ इन दोनों वीडियोज़ में। अगर आपको लैपटॉप की रिव्यू देखना है यार सब्सक्राइब किया करो यार, 99.8% समथिंग कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं है। अगर उतने लोग सब्सक्राइब करते 50,000 60 सब्सक्राइबर में होते तो फिर मैं मिलता हूँ यार। टाटा बाय बाय।